गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करते हैं। गाइस शॉर्ट वीडियो वायरल करना आसान है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं आपको 5 ट्रिक बताने वाला हूँ इसके इस्तेमाल यदि आप अपने वीडियो में करते हो तो 100% आपका वीडियो वायरल होगा। मैं ऐसे तुक्के में नहीं कह रहा, इसको आप प्रमाण भी दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आप इसी स्क्रीन पर देख रहे वाले वीडियो, इसमें 200 मिलियन व्यूज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 महीने के अंदर में 200 मिलियन व्यूज। आसान है भाई, लेकिन आपको ट्रिक पता होना चाहिए। आजकल बड़े बड़े क्रिएटर जो ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियो को वायरल करने के लिए, आज उसी ट्रिक को आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वीडियो को वायरल कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जितेंद्र है और आप देख रहे हैं द ओके। इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइस मैं 5 ट्रिक मैं ऐसे भाई ऐसे आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। यदि आपको रियल में वीडियो वायरल करना है तो आप देखिए, वरना अभी भी छोड़ के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 पे आता है सबसे पहले आपका वीडियो का लेंथ, तो वीडियो का लेंथ 20 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में रखना चाहिए। नंबर 2, अपने वीडियो में 1 से 2 सेकंड का पार्ट ऐसा रखना है जिसे थंबनेल पर लगाते ही ऑडियंस क्लिक करे। मान लीजिए आपके वीडियो में ऐसा कोई क्लिप नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, डरने की कोई बात नहीं है। आपने फोटो जहाँ पे एडिट करते हो वहाँ पे कुछ ऐसा फोटो एडिट कर लो, उसके वीडियो में डाल दो और उसी को थंबनेल लगा दो। नंबर 2, इसको याद रखना हमेशा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है इसने क्या किया है, कोई वही तो किया है भाई, इसने फोटो को एडिट करके वहाँ पे लगा दिया है। अब ऑडियंस जो आएगी यहाँ पे देखने वो तो फोटो देख ही आएगी भाई, शायद ये पार्ट होगा अंदर, लेकिन मात्र वो 1 सेकंड के लिए है। वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, ऐसे थंबनेल लगाने से काफी चांस बढ़ जाता है आपका वीडियो वायरल होने के। नंबर 3 में आता है टाइटल, टाइटल भी मायने रखता है भाई। आपका वीडियो किस टाइटल पे है, क्या है अंदर, लोग टाइटल पढ़ के आपको देखेंगे। टाइटल में बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए और कैसे लिखना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यूट्यूब एप्लीकेशन खोलना है आपको, जो भी आप टाइटल सोच रहे हो उसको यहाँ पे सर्च करना है, जो ऑप्शन ऊपर आ रहा है ना यहाँ पे, इसी को कॉपी करके आप अपने टाइटल में लगा दो, काफी चांस बढ़ जाता है वीडियो वायरल होने का, क्योंकि लोग यही सर्च कर रहे हैं। नंबर 4 और 5 तो काफी इंपोर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। नंबर 4 पे आता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी काफी मैटर रखते हैं आपके वीडियो में। तो गाइस डिस्क्रिप्शन भी सही से लगाना चाहिए आपको, तो कैसे लगाना है सही से वो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपने टाइटल को कॉपी कर लेना है, इसको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। उसके अलावा सबसे पहले आप गूगल पे रैपिड टैग सर्च करोगे, रैपिड टैग RAPID TAG, इसको आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आप टाइटल लगाए हो ना इसी को इसमें पेस्ट कर देना है। सर्च मारोगे ना तो सारे कीवर्ड आ जाएंगे, यहाँ से क्या करना है आपको कॉपी कर लेना है, ऐसी कॉपी को आप डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। जो डिस्क्रिप्शन में हमने टैग कॉपी करके लगाया है इसी टैग को कॉपी करके यहाँ पे टैग में लगा देना है। नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो में कुछ भी कर लो लेकिन 5 नंबर को यदि फॉलो नहीं करते हो तो आपका वीडियो नहीं चलेगा। देखिए 5वां नंबर है वीडियो को अपलोड करने का सही समय, तो अपने यूट्यूब स्टूडियो खोल लेना है आपको और ऑडियंस वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे देखना है कब क्राउड जाना है आपके चैनल पे। नंबर दिख रहा है 12 बजे, इसके नीचे आप गिन लो 1 2 3 4, जो ब्लू वाली पट्टी आपको दिख रही है ज्यादा समझ लेके उस समय आपके क्राउड ज्यादा है आपके चैनल पे, आप उसी समय अपलोड करो, 100% आपका वीडियो वायरल होगा। गाइस जो भी मैंने अभी ट्रिक आपको बताया है यदि लगता रहो आप 10 दिन तक अप्लाई करते हो अपने वीडियो पे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपका वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।